देश की भाईचारा, देश में मुद्दे की बात हो ना कि मोदी की बात हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आज यहाँ ये लोग नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं है, किस चीज की बात कर रहे हैं? 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे एजेंडे पे वहां कितने साल बाद ये लोग रोड पे गए होंगे, हम ही लोग एजेंडे पे। लेकिन इन लोगों से पूछो कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है जो एक साथ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन देने का काम किया है सरकारी नौकरी में? ये बिहार है, इसके अलावा और कौन सा राज्य? और हम आपको सदन को निश्चित करते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन सरकार समय पर 10 लाख लोगों को नौकरी भी देगी और रोजगार भी 10 लाख देगी। इसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके बाद और भी, अभी तो 3 लाख से ज्यादा निकला है, इसके बाद और लाखों में पब्लिक हेल्थ कार्डर हम लोग स्वास्थ्य विभाग में ला रहे हैं, उसमें लाखों में नौकरियां निकलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आज कम से कम इतना साल सत्ता में लोग रहे, आज कितना साल होगा किसी को याद है बिहार भाजपा के लोग सड़क पर कब आंदोलन किए होंगे, कब उतरे होंगे? केवल बकैती करते हैं ये लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने, लेकिन जहां नौकरी दी जा रही है वहीं आंदोलन कर रहे हैं। इनको तो सही मायने में अगर आंदोलन करना चाहिए तो बताइए 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल बढ़ा है कि नहीं? गैस की कीमतें बढ़ी है कि नहीं? टमाटर हर चीज का भाव बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? तो उस समय महंगाई डाइन लगती थी, अब तो महबूबा भजाई लगती है। अजीब बात है महोदय, बताइए 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है कि नहीं इस देश में? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हर चीज प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है महोदय। लोगों का रोजगार देना तो छोड़िए, रोजगार भी छीना जा रहा है, नौकरी भी छीनी जा रही है। ये है इनकी असलियत। और हम लोगों को क्या क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट। अभी लोग आए नहीं तो इतना इन लोगों का चिट्ठा हम खोलते हैं, फिर भी लाए तो कुछ लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों में से कोई भूल गए होंगे तो याद दिला देते हैं। और इसी मंच के माध्यम से जो लोग हमको देख रहे हैं उनको भी याद दिला देना चाहते हैं। ये परिवारवाद की बात करते हैं महोदय, इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं और नीतीश जी और आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी और सभी लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे, हम लोग जेपी जी के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अनुयायी लोग हैं। ये लोग क्या नारा देता है भाई परिवारवाद का, तो उनको बताना चाहते हैं शायरी के ही जरिए, ना दबाओ पाओ, ना दबाओ पाओ से घास के तिनकों को अदना समझकर उड़ के पड़ जाए अगर आंख में, उड़कर पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। तो बहुत ये लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं।